अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब आज मैं आपके पास आया हूँ वीलॉग पार्ट टू ऑफ माय रोड कंस्ट्रक्शन। आप मेरे बैकग्राउंड में आज फिर देख रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्प्लीट हो गई है। और अभी मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इसका जो फाइनल लुक है वो आपसे शेयर की जाए। तो हम लोग जो टाउन के रेजिडेंट्स हैं सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे नेबर्स भी यहाँ पे बहुत हैप्पी हैं एंड दे आर सो मच हैप्पी। तो मैं सबसे पूछता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, तो आगे चल के फिर मैं आपको इसकी रोड की कंस्ट्रक्शन भी दिखाता हूँ और इसकी जो फाइनल लुक है वो भी दिखाता हूँ। लेकिन चलिए, यहाँ पे मेरे साथ मेरे नेबर हैं, बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड भी हैं, नबील इनका नाम है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि नबील अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे भी ये बताइए कि एक अरसे के बाद हमारी ये रोड बन रही है, तो इस बारे में आपका क्या व्यू है? पहले तो बड़ा थैंक्स फॉर हमारे यहाँ के इलाका मकीन साहब का, जिनकी काविशों की वजह से जो है ये हमारी रोड कंप्लीट हुई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऑलमोस्ट तकरीबन ये 2004-05 या 06 में ये रोड्स बनी थी और जिसके बाद ऑलमोस्ट तकरीबन 12-13 ईयर्स हो चुके हैं कि ये रोड कंप्लीट नहीं थी। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि यहाँ पे रोड्स कंप्लीट हुई और लोग बहुत खुश हैं ये बिहाफ ऑफ, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जब बारिश होती तो डेफिनेटली पानी खड़ा हो जाता और लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। जी बिल्कुल, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और बच्चों का स्कूल जाना जो था वो मुश्किल हो जाता था। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके व्यूज जान के कि आप भी खुश हैं और सारे खुश हैं। और अब माशाल्लाह जो बच्चे हैं वो गली में, थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा, खुशगवार होगा, तो खेलना भी पसंद करेंगे और अच्छा खेलेंगे। पहले बच्चों को चोट भी लग जाती थी और माशाल्लाह अब जो हैं बच्चे भी बड़े खुश हैं। जी, इससे बहुत ज़्यादा लोग खुश होंगे और इसके अलावा ख़ास तौर पर बच्चे स्पेशली, क्योंकि बच्चों को स्पेशली जहाँ पे साइकिलिंग, छोटे छोटे आजकल हमारे मोहल्ले में बहुत से बच्चे हैं तो साइकिलिंग का बच्चों को क्रेज़ होता है, तो वो डेफिनेटली अब वो ईजीली यहाँ पर साइकिल। सही सही कहा आपने, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो भी और मेरे साथ एक और मेरे रहायशी और नेबर हैं हसीबुल्ला, इनकी राय जानते हैं कि आया रोड के बारे में इनकी क्या राय। अस्सलाम वालेकुम, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में हमारी पहले रोडें बनी थी, उसके बाद आज बन रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाका जो है वो सारे इससे मुस्तफीद होंगे और सीवरेज का निज़ाम तो वैसे ही हमारे इस एरिया में ठीक था, तो हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पहले हमारी रह गई थी एक इसी वजह से रोड, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो गई है, कम्प्लीट हो गई, इंशाल्लाह कल से हमारी आमद रफ्त शुरू हो जाएगी इस पर, तो हम बहुत खुश हैं इसके वाले से। और जो बच्चों का आना जाना होता था सुबह पिक एंड ड्रॉप, बारिश वाले दिन बड़ा मसला होता था कॉलेजेस में जाना या हमें जॉब्स पे जाना, तो वो भी जो मसला है वो हल हो गया। बिल्कुल, हम सुबह ऑफिस वगैरह जॉब पे जाते थे या बच्चे जो जा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई थी इस वजह से ना, क्योंकि रोड टूटी हुई थी, इवन कई चीज़ें कोरियर वगैरह कुछ आने होते थे वो नहीं आ पा रहे थे, वो कॉल करते थे आके ऑफिस आके लेते हैं, तो उस वजह से काफ़ी आसानी हो जाएगी हमें सुबह ऑफिस वगैरह जाने में या स्कूल वगैरह बच्चों के जाने में, अल्लाह का शुक्र है। तो इस बारे में ये जो लोकल गवर्नमेंट ने हमारी रोड्स बनाई हैं, तो उनका आप क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? उस बारे में लोकल गवर्नमेंट का भी हम बहुत दिल से शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अर्से बाद हमारे बिलाल टाउन का नंबर आया, आगे पीछे सब जगह बन गई थी हमारे इस एरिए की, यानी ग्राउंड वाले एरिए की रह गई थी, तो लोकल गवर्नमेंट का हम शुक्र गुजार हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। तो जनाब ये देखिए, ये है रोड की फाइनल लुक, अभी इसके ऊपर जो है चलना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं इजाज़त लेके थोड़ी सी ठेकेदार साहब से इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप देखें यहाँ पे बाउंड्री वायर लगी हुई है, ये इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है ताकि यहाँ से अभी जो आना जाना है गाड़ियों का, बाइक्स का और मोटरसाइकिल्स का, वो अभी स्टॉप रहे ताकि रोड डैमेज ना हो, बिकॉज़ ये जो रोड है ये सीमेंटेड है और इसके ऊपर अभी चलना जो है वो मना किया है। तो एक इसको 24 आवर्स चाहिए ड्राई होने के लिए, तो 24 आवर के बाद ये रोड बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और फिर इस पर आमदोरफ़ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इसका पार्ट जो है वो बाकी रह के वो मैं आपको शो करता हूँ। मैं रोड साइड पे चल रहा हूँ
ताकि रोड जो है वो डैमेज ना हो। ये आप देख सकते हैं साइड साइड पे चल रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल लगाया है इन्होंने, खालिस मटेरियल लगाया है इन्होंने। ये आप देखिए, ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे गुजरना जो है बिल्कुल मना है और सख्ती से यहाँ पे मना किया जा रहा है कि यहाँ पे नहीं चल। ये है जनाब इसके फाइनल लुक। यहाँ पे ये काम जो है वो अभी इंशाल्लाह एक और घंटे में एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि अहले इलाका के जो रहायशी हैं बहुत ही खुश हैं और इनकी खुशी जो है वो दीदनी है। तो जनाब क्यों ना हो, क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को सहूलतें दी जाती हैं, जो आवाम टैक्स देती है, जो आवाम हम लोग टैक्स पे करते हैं, अपने चीज़ें खरीदते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं उस पर प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, सेवे टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं। तो जब हमें ये थोड़ी बहुत सहूलतें भी उसके रिटर्न में मिलती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगा आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव या एन्जॉयमेंट। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।